Hello students, welcome you to the part 4 of user defined method in Java. So today we will discuss about the difference between call by value and call by reference. Iske liye you should know parameter passing and actual parameter and formal parameter. To agar aap ye nahi jante ho to please watch my previous videos. Theek hai, jisme hum iske bare mein bataye the. So without further delay, let us see the difference between call by value and call by reference. First of all, हम लोग ये points समझेंगे and after that we will see example of each. देखो call by value basically क्या है? ये तो are two different techniques to pass parameter to a method. ठीक है? तो Java में जब अगर हम call by value का use कर रहे हैं, मतलब क्या होगा? जो हमारा एक्चुअल पैरामीटर है उसका एक कॉपी पास होता है फॉर्मल पैरामीटर में. ठीक है, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है? एक्चुअल पैरामीटर का रेफरेंस पास होता है. तो ऑब्वियसली सिंस आई हैव टोल्ड कि एक्चुअल पैरामीटर का कॉपी पास होगा कॉल बाय वैल्यू में, इसलिए हम जो भी चेंजेस करते हैं फॉर्मल पैरामीटर में तो दे विल नॉट रिफ्लेक्ट इन द एक्चुअल पैरामीटर, क्योंकि जो भी चेंज हो रहा है वो कॉपी में हो रहा है, इसलिए ओरिजिनल वेरिएबल चेंज नहीं होता इन केस ऑफ कॉल बाय वैल्यू. ठीक है, वेयर एज कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा? रेफरेंस पास हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो भी चेंजेस हो रहा है वो ओरिजिनल वेरिएबल पे ही हो रहा है एंड दैट्स व्हाई दे आर रिफ्लेक्टेड इन द एक्चुअल पैरामीटर. मतलब यहाँ पे हमारा जो एक्चुअल पैरामीटर है वो चेंज होगा अनलाइक कॉल बाय वैल्यू. ठीक है, तो कॉल बाय वैल्यू में क्योंकि हम कॉपी क्रिएट कर रहे हैं एक्चुअल पैरामीटर का, दैट्स व्हाई वी नीड सेपरेट मेमोरी लोकेशन फॉर एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर. वेयर एज कॉल बाय रेफरेंस में क्या हो रहा है? हम लोग रेफरेंस पास कर रहे हैं एंड वो जो रेफरेंस मतलब एड्रेस सोच सकते हो बेसिकली, तो वो जो रेफरेंस या जो एड्रेस है दैट इज एक्चुअली पॉइंटिंग टू द एक्चुअल पैरामीटर, इसलिए एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर विल शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन. ठीक है, इन केस ऑफ जावा जब हम फंक्शन में पैरामीटर पास कर रहे हैं, इफ द पैरामीटर आर ऑफ टाइप प्रिमिटिव डेटा टाइप, मतलब अगर इंटीजर टाइप का होता है, शॉर्ट होता है, फ्लोट, लॉन्ग, कैरेक्टर, डबल, ये सब डेटा टाइप अगर हम पास करते हैं देन इट विल बी कॉल बाय वैल्यू बाय डिफॉल्ट. वेयर एज अगर जावा में मेथड में हम जो पैरामीटर पास कर रहे हैं वो पैरामीटर अगर हमारा ऑब्जेक्ट है या एरे है देन दे विल बी पास्ड बाय रेफरेंस. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी एग्जांपल ऑफ ईच. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉल बाय वैल्यू. ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू नाम से क्लास बना लिए. यहाँ पे वी हैव डिक्लेयर्ड वन वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर. ठीक है, इंट पब्लिक इंट डेटा, इसको हम पब्लिक इसलिए बना रहे सो दैट वी कैन एक्सेस इट आउटसाइड द क्लास. आफ्टर दैट हियर वी हैव डिफाइंड अ मेथड. ठीक है ना, तो मेथड का सिंटैक्स अगर आपको नहीं पता देन प्लीज वॉच पार्ट वन ऑफ यूजर डिफाइन मेथड. ठीक है, तो यहाँ पे चेंज नाम का मेथड है. देखो यहाँ पे हम डेटा पास कर रहे हैं तो जैसे हम जानते हैं कि ये हमारा फॉर्मल पैरामीटर है और इस मेथड के अंदर हम डेटा को चेंज कर दिए. वी हैव रिटन डेटा इक्वल्स टू डेटा प्लस 10, जो भी वैल्यू है दैट विल बी इंक्रीज बाय 10. इसके बाद हम क्या करते हैं? ऑब्वियसली हम लोग मेन मेथड डिफाइन करेंगे और मेन मेथड में हम क्या करेंगे? वी विल क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास वैल्यू. तो यहाँ पे हम वैल्यू क्लास का देखो एक ऑब्जेक्ट बना लिए जिसका नाम है ओ. ओ ऑब्जेक्ट से हम क्या किए? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इनिशियलाइज्ड डेटा यहाँ पे देखो टू 10, मतलब ओ डॉट डेटा इक्वल्स टू 10, तो डेटा में 10 वैल्यू स्टोर हो गया एंड हियर वी हैव प्रिंटेड द वैल्यू. ठीक है, तो अभी क्या वैल्यू आएगा? ऑब्वियसली 10 स्टोर किए तो यहाँ पे 10 प्रिंट होगा. आफ्टर दैट हम क्या किए? चेंज मेथड को कॉल किए थ्रू द ऑब्जेक्ट ओ. ठीक है ना, तो जैसे हम जानते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है, ओ डॉट चेंज, इसमें हम 10 को पास कर रहे हैं. तो जैसे मैं अभी बताई थी कि जावा में अगर हम ये जो पैरामीटर पास कर रहे हैं दैट इज द एक्चुअल पैरामीटर, इफ द एक्चुअल पैरामीटर जो है मतलब
जो भी पैरामीटर हम पास कर रहे हैं यहाँ पे, इसका डेटा टाइप अगर प्रिमिटिव और फंडामेंटल होता है, मतलब इंटीजर लॉन्ग डबल ये होता है, देन इट इज कॉल्ड बाई वैल्यू। तो हम यहाँ पे क्या पास कर रहे हैं, इंटीजर पास कर रहे हैं, ठीक है, मीन्स इट इज कॉल बाई वैल्यू हो रहा है यहाँ पे। तो ये जैसे ही चेंज मेथड यहाँ से कॉल हो जाएगा तो दिस मेथड विल बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। यहाँ पे ये जो 10 है ये 10 डेटा में आ जाएगा एंड डेटा विल बी इक्वल टू डेटा प्लस 10, मतलब 10 प्लस 10 20। तो आफ्टर दैट यहाँ पे वी आर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ डेटा अगेन। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंपाइल द प्रोग्राम। देखो नो सिंटैक्स एरर, कंपाइल हो गया एंड नाउ वी विल रन द प्रोग्राम टू सी द आउटपुट। यहाँ से हम लोग ब्लू जैसे रन कर रहे हैं, अगर आप चाहो तो कंसोल से या नेटबीन्स के थ्रू भी रन कर सकते हो। तो देखो बिफोर चेंज 10 एंड आफ्टर चेंज आल्सो 10। तो जैसे मैं बताई थी डिफरेंस में कि क्या होता है आपका कॉल बाय वैल्यू में, है ना, जहां पे हम प्रिमिटिव डेटा टाइप पास कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा जो हमारा ये एक्चुअल पैरामीटर है इसका एक कॉपी बन जाता है। फॉर्मल पैरामीटर जो है दैट इज अ कॉपी ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर, इसलिए फॉर्मल पैरामीटर में हम जो भी चेंज करते हैं वो चेंज एक्चुअल पैरामीटर में नहीं होता। एंड दैट्स व्हाई शुरू में भी वैल्यू 10 था एंड ये चेंज मेथड कॉल करने के बाद भी वैल्यू चेंज है, मतलब एक्चुअल पैरामीटर में कोई भी चेंज नहीं हुआ। सो नाउ लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। तो कॉल बाय रेफरेंस में जैसे मैं बताई थी क्या होगा, यहाँ पे हम पास करेंगे ऑब्जेक्ट और एरे पास कर सकते हैं हम इन केस ऑफ कॉल बाय रेफरेंस। तो हम यहाँ पे देखो सेम हम एक रेफ नाम का क्लास बना लिए और दिस इज सेम एज द प्रीवियस वन, एक्चुअली डेटा नाम का वेरिएबल है, चेंज नाम का मेथड है। इस मेथड में हम क्या पास कर रहे हैं, दिस इज द डिफरेंस। देखो वहां पे हम इंटीजर पास किए थे प्रिमिटिव डेटा टाइप, यहाँ पे हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप पास कर रहे हैं, मतलब हम क्लास पास किए, है ना, सॉरी ऑब्जेक्ट पास किए। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास का वेरिएबल होता है। जैसे हम लिखते हैं इंटीजर एक्स, वैसे ही हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है। क्लास का नाम रेफ, ऑब्जेक्ट का नाम हम ओ ले लिए। विद थ्रू दिस ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे डेटा को मॉडिफाई कर रहे हैं जैसे हम प्रोग्राम में किए थे। एंड आफ्टर दैट अगेन वी विल डिफाइन द मेन मेथड। इन द मेन मेथड वी विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ref। इस ऑब्जेक्ट से हम पहले डेटा को 10 में इनिशियलाइज कर दिए, लाइक द प्रीवियस प्रोग्राम 10 को हम प्रिंट कर दिए, ठीक है। अब देखो नाउ हियर वी आर कॉलिंग द चेंज मेथड, बट यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, ऑब्जेक्ट पास करेंगे अनलाइक द प्रीवियस मेथड। तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या था हमारा, ओ था, इसलिए हम यहाँ पे ओ को पास कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब जैसे ही हम मेथड कॉल करेंगे तो चेंज मेथड एग्जीक्यूट होगा। ये जो ओ है, ठीक है, दिस ओ मतलब ये हमारा क्या है, फॉर्मल पैरामीटर, ये हमारा एक्चुअल पैरामीटर है। तो जैसे मैं बताई थी कि यहाँ पे कॉल बाई रेफरेंस होता है, मतलब ये ओ एक्चुअली रेफर टू दिस ओ ओनली, नया कोई दूसरी कॉपी नहीं बनेगी, ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट है उसी को रेफर करेगा। मतलब यहाँ पे जो डेटा चेंज होगा, एक्चुअल वाला जो हमारा डेटा है दैट विल बी चेंज्ड। तो आफ्टर कॉलिंग द चेंज मेथड अगेन वी विल प्रिंट हियर द वैल्यू ऑफ डेटा एंड सो लेट अस सी द डिफरेंस इन आउटपुट। अब हम रेफ मेथड फंक्शन सॉरी क्लास को रन करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बिफोर चेंज द वैल्यू इज 10 एंड आफ्टर चेंज द वैल्यू इज 20। तो जैसे मैं बताई थी कॉल बाई वैल्यू में चेंज नहीं हुआ था, 10 10 था, लेकिन कॉल बाई रेफरेंस में वैल्यू चेंज हो रहा है। पहले 10 था और बाद में हम 10 प्लस 10 किए तो वो 20 हो गया। सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ दिस हैपेंस। तो फॉर दैट लेट अस सी दिस एग्जाम्पल अगेन। देखो यहाँ पे हम दोनों को कंपेयर करते हैं, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस वाला जो हम एग्जांपल लिए थे ना उसमें क्या डिफरेंस था। ये जो चेंज मेथड था यहाँ पे हम प्रिमिटिव डेटा टाइप पास किए थे इंटीजर डेटा, वेरस यहाँ पे हम क्या पास कर रहे हैं, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। तो जब हम कॉल बाय वैल्यू पे देखो ये वाला पार्ट, मतलब कॉल बाय वैल्यू पे जब यहाँ से क्या हो रहा है,
चेंज मेथड कॉल हो रहा है। शुरू में फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या किए, एक ऑब्जेक्ट बना लिए ओ नाम का, ठीक है। सो लेट मी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट हियर। हम यहाँ पे क्या किए, ये हमारा ओ नाम का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर एक वेरिएबल है जिसका नाम है डेटा। इस डेटा में हम क्या स्टोर किए, यहाँ पे हम डेटा के अंदर 10 को स्टोर कर दिए। एंड आफ्टर दैट हम प्रिंट किए ओ डॉट डेटा को, तो ऑब्वियसली आउटपुट में 10 प्रिंट हो जाएगा। अब देखो चेंज मेथड कॉल कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 10 को पास कर रहे हैं। तो कंट्रोल करा जाएगा यहाँ पे, ये जो डेटा है ना इसमें ये 10 कॉपी हो रहा है, ठीक है। दिस डेटा मतलब ये 10 हमारा क्या था, ये वाला 10 था हमारा एक्चुअल पैरामीटर, ये डेटा हमारा क्या है, फॉर्मल पैरामीटर। तो दिस डेटा इज डिफरेंट है ना, जो ओरिजिनल डेटा था इसका एक कॉपी बनेगा और इस कॉपी में 10 स्टोर हो गया। तो देखो यहाँ पे एक कॉपी बन रहा है कॉल बाई वैल्यू में। नाउ हम क्या किए, डेटा इक्वल्स टू डेटा प्लस 10 कर रहे हैं, तो ये वाला 10 प्लस 10 20 हो जाएगा। तो जैसे ये फंक्शन खत्म होगा कंट्रोल वापस यहीं पे आ जाएगा और ये सिस्टम आउट प्रिंटलन लाइन एग्जीक्यूट होगा। तो हम प्रिंट करेंगे आफ्टर चेंज ओ डॉट डेटा। तो जब हम मेन में वापस आ गए ना, तो ये जो कॉपी बना था इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, ये खत्म हो जाता है और जो हमारा ओरिजिनल डेटा था वो वापस आ जाएगा। तो अगेन यहाँ पे ओ डॉट डेटा मतलब अगेन 10 विल बी प्रिंटेड। सो दैट्स व्हाई इन केस ऑफ कॉल बाय वैल्यू हमें कोई भी चेंज नहीं मिल रहा है। नाउ लेट अस सी हाउ कॉल बाय रेफरेंस वर्क्स। देखो कॉल बाय रेफरेंस में भी हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, किसका ऑब्जेक्ट का नाम हम दे रहे हैं ओ। तो अगेन ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट जिसका नाम है ओ, तो इसके अंदर हमारा डेटा है जैसे लास्ट प्रोग्राम में था और फिर उसके अंदर हम क्या स्टोर किए, 10 को स्टोर कर दिए, ठीक है। फिर हम प्रिंट करेंगे ओ डॉट डेटा, तो ऑब्वियसली 10 प्रिंट हो जाएगा। नाउ वी आर कॉलिंग द चेंज मेथड और इसमें हम ऑब्जेक्ट ओ को पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉल बाय रेफरेंस पास होगा। तो ये जो यहाँ पे ओ जा रहा है ना, तो बेसिकली यहाँ पे दिस ओ विल रेफर टू दिस ऑब्जेक्ट ओनली। ये जो हमारा जो ये ओ नाम का जो हम बना रहे हैं ना, ये इसी ऑब्जेक्ट को ही रेफर करेगा इन केस ऑफ कॉल बाय रेफरेंस। इसका कोई कॉपी नहीं बनता, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को ही रेफर करता है। मतलब जो हमारा ओ डॉट डेटा है यही वाला डेटा होगा, है ना। तो जो हम चेंज करेंगे ये चेंज कहाँ पे होगा, यही डेटा जो हमारा 10 था वो अब 10 प्लस 10 20 हो गया, ठीक है। तो जब हम वापस आएंगे मेन में और प्रिंट करेंगे ओ डॉट डेटा को, देन वी विल गेट 20 नॉट 10। सो इन दिस वे इन केस ऑफ कॉल बाय रेफरेंस द एक्चुअल वैल्यू विल बी चेंज, जो कि कॉल बाय वैल्यू में नहीं हो रहा था। सो होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड यू शुड राइट ऑल द फोर पॉइंट्स एज वेल एज द एग्जाम्पल विच आई हैव गिवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज फ्री फील टू कमेंट। थैंक यू।